हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर कर के थक गए दोस्तों, आपकी चैनल ग्रो नहीं हो रही दोस्तों, तो ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। उनके साथ में भी आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप यूट्यूब पर नई चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, यह आपको ऐसे बेस्ट कैटेगरी देने वाला हूँ 2021 में चलने वाले है दोस्तों। आपको गारंटी देता हूँ कि उस कैटेगरी पर आप वीडियो बनाते हो ना तो चलेगा और चल के ही रहने वाला है दोस्तों। के बारे में से बताने से पहले सबसे आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको कैटेगरी अच्छी लगती है, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो पर डालते रहते हैं दोस्तों। तो चलो आपको बता दूं, बेस्ट कैटेगरी है दोस्तों गेमिंग के चैनल दोस्तों। और ये भी बता दूं दोस्तों कि 100% 2021 में गेमिंग के चैनल चलने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको ये भी बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे और आप भी अपने चैनल पर गेमिंग के वीडियो अपलोड करते हो दोस्तों, तो आप अपने चैनल पर क्या गलतियां करते हो, ताकि उसकी टिप्स भी आपको देने वाला हो जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों। और ये दोस्तों वीडियो बहुत बहुत छोटा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक मेरे साथ जरूर जरूर दोस्तों बने रहे। चलो तो शुरू करते हैं। तो गेमिंग चैनल की बात कर ले दोस्तों, तो इंडिया में आपको बता दूं कि जब भी जो फौजी वाली गेम लॉन्च हुई थी दोस्तों, वन डे में ही 1 मिलियन से बहुत ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखी थी। और आप देख लो दोस्तों, प्ले स्टोर में भी जा सकते हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने तो अच्छे अच्छे रिव्यू भी दिए हुए हैं। तो मैं बता दूं कि गेमिंग की चैनल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर आपको टिप्स ये देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप जब भी चैनल पर जो वीडियो अपलोड करते, कौन सी कैटेगरी में करते हो, जैसे कि समझ लो कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स बनाने चाहिए दोस्तों आपको, कि टॉप 10 गेम्स, यानी कि ऐसी गेम्स होनी चाहिए जो गेम्स अभी तक लॉन्च नहीं हुई दोस्तों, वो लॉन्च होने वाली है, कि जो ग्राफिक्स आपको चाहिए, उसका इंटरफेस चाहिए, तो ट्रेलर भी ले सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाता है, वहाँ पर जिसने भी गेम्स वो लॉन्च करने वाला है तो उनकी यूट्यूब चैनल्स पे आप जा सकते हो, उनका कैसा इंटरफेस है वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो इस कैटेगरी पर बना सकते हो दोस्तों। और उसमें ये भी कैटेगरी है कि ऑडियंस को क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे कि समझ लो यहाँ पे कमेंट आता है कि हमें पबजी जैसी दूसरी गेम चाहिए, यहाँ पर दूसरी गेम तो इंडिया में थी नहीं, अब पबजी तो बैंड हो गया था इंडिया में, तो वहाँ पर क्या किया गया कि फौजी, पबजी जैसे ही फौजी नाम रख लिया गया, क्योंकि तब सबको लगे कि फौजी है ना वो पबजी जैसे ही गेम है, लेकिन वो दोनों डिफरेंस गेम है, दोनों का इंटरफेस दोनों का ही अलग अलग है दोस्तों। ये बात जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि जो गेमर होते हैं ना वो हमारे दिमाग के साथ भी खेलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते, इसीलिए वो गेम को लॉन्च किया गया और उसमें 1 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने तो डाउनलोड कर लिया दोस्तों। ऐसे ही आपको खेलना है दोस्तों। क्या करना है कि जो भी टॉप 10 है गेम लॉन्च हुई है वो तो हो गया, लेकिन बाद में क्या करना है कि कौन सी ऑडियंस है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो को देख रहे। समझ लो कि आपके पबजी वाले जो आपने वीडियो अपलोड किया है, लाइव स्ट्रीम किया है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की कमेंट रहती है, कैसे दोस्ती हमें गेम हो तो रेकमेंडेशन करें, या उनसे भी अच्छी गेम हो जो आप खेलते हो और आपको अच्छी लगती है तो वो भी हमें बताएं, तो उसके बारे में आप वीडियो ज़रूर बनाएं, और जो कमेंट करते हैं उनका ज़रूर ज़रूर आप रिप्लाई करें दोस्तों, क्योंकि उनके साथ आपको एंगेजमेंट अच्छी तरह से रखना है दोस्तों, क्योंकि वही है जो आपका व्यूअर है, जो आपका क्लाइंट है, जो अपनी वीडियो को अच्छी तरह से पूरी की पूरी देखते हैं दोस्तों। ये टिप्स आप ज़रूर यूज़ करना दोस्तों। सेकंड नंबर की जो टिप्स बता दूं दोस्तों, वो टिप्स है दोस्तों कि जैसे ही टॉप 10 गेम है ऐसे ही आपको लाइव स्ट्रीम करते रहना है दोस्तों।
आप जो भी गेम खेल रहे हो उस पर ही लाइव स्ट्रीम करते रहे, लेकिन जब भी लॉन्च होने वाली हो गेम वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। वो उस टाइम में आप जो डेली गेम खेलते हैं उस पर थोड़ा कम फोकस करें, लेकिन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ताकि क्या होगा दोस्तों, जब भी जो सर्च होता है ना, जो यूट्यूब पर जो टॉपिक सर्च कर रहे उस पर वीडियो ही नहीं मिलता, और उस पर वीडियो नहीं मिलेगा तो आपने जो वीडियो बनाया होगा वो सबसे पहले रैंक करने वाला है, क्योंकि उस कीवर्ड पर किसी ने वीडियो बनाया ही नहीं होगा। तो ये टिप ज़रूर आप यूज़ करें दोस्तों। और एक बात ये भी बता दूं कि आप YT स्टोर में जाकर देख सकते हो कि मेरे कौन से जो चैनल्स होते हैं ना, यानी कि समझ लो कि आपकी YT स्टोर है, वहाँ पर आपको एक रेकमेंडेशन वाला बॉक्स मिलता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मेरे वीडियो जो है एक इस चैनल पर। आपको क्या करना है, वहाँ पर जो भी वीडियो है कि कौन सा वीडियो रेकमेंडेशन करा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, वहाँ पर जिसकी भी चैनल होगी, जिनका टाइटल होगा, वहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका जो रेकमेंडेशन वीडियो होगा वो दिखाई देगा। तो उन चैनल्स होता है, उन चैनल का नाम भी आप अपने जो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, चाहो तो आप टैग में भी उनका नाम यूज़ कीजिए दोस्तों। आपको उस टाइटल जो होता है वो ही कॉपी करना है, और अब उनकी चैनल का नाम होता है वो ही नेम आपको टैग में रख लेना है दोस्तों। ये ट्रिक ज़रूर ज़रूर यूज़ करना अगर आप एक गेमिंग चैनल चला रहे हो तो दोस्तों। फोर्थ नंबर की दोस्तों वो टिप्स बता दो, वो टिप्स है दोस्तों, जैसे हमारी चैनल्स होती है वहाँ पर जो सर्चेबल होता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे गेमर्स का नाम रखो जो भी सर्च करे वो आपकी उनकी भी गेमर्स का नाम पहले से ही वैल्यू है, उनकी ब्रांड है, तो उनका नाम आप टैग में जरूर लगाया कीजिए, ताकि उनके नाम से जो भी लोग सर्च करेंगे तो आपके वीडियो भी आएगी, उनके भी वीडियो आने वाला है दोस्तों। ये टिप्स को ज़रूर यूज़ करना, मैं भी यूज़ करता हूँ, और आप सब लोग भी यूज़ करते रहे ताकि आपके चैनल ग्रो करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।